राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा मांग करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक बार खाएंगे ना बच्चे, बार बार मांगेंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस, तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है। मैंने इसी कप से सूजी लिया है, इसी से सारा मेजरमेंट करेंगे। सूजी मैंने बारीक लिया है, तो गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस को कर लिया है ऑन। अब इसमें जाएगा 2 कप पानी। मैंने 1 कप सूजी लिया है, तो यहाँ पर 2 कप पानी जाएगा। जिस कप से मैंने सूजी लिया है उसी कप से मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी। माप का खास ख्याल रखना आपको कि हमें पानी कितना लेना है, सूजी कितना लेना है। तो आधी छोटी चम्मच में जाएगा नमक, आधी छोटी चम्मच जाएगा चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। घबराने की बात नहीं है, आप कुटी लाल मिर्च ऐड कर सकते हो। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसे हम मिला देते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे ऑयल। आप यहाँ पर फ्रेश हरी धनिया बारीक कटी हुई डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की जो भी चीज़ें हैं डाल सकते हैं इसमें। तो हमें पानी उबाल आना इंतज़ार करेंगे, क्योंकि पानी में जैसे ही उबाल आएगा हमें गैस को स्लो कर देना है। हाई फ्लेम पे हमें नहीं करना है, लो फ्लेम पे करना है। तो यहाँ पर हमारे पानी में उबाल आना शुरू कर दिया है, हम गैस को लो फ्लेम कर दे रहे हैं। हमें हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, लो फ्लेम पे करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें लो फ्लेम पे ही सूजी को ऐड करना है, लो फ्लेम पे हमें पकाना है। तो मैं धीरे धीरे सूजी को ऐड करूँगी और चलाते जाऊँगी, ताकि इसमें लम्स और गांठ ना पड़े। इस चीज़ का खास ख्याल रखना आप लोग। यहाँ पर कोई लम्स नहीं पड़ा ना गांठ पड़ा, हमें अच्छे से मिला रहे हैं इसको। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसमें गुत्थी या तो लम्स हो। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल हलवे जैसा हो चुका है। पर हमें और भूनना है, इसे और पकाना है। एक डो जैसा तैयार करना है मुझे, जैसे आटे का डो होता है, गोला सा बन जाता है, तो उस तरह से हमें डो की तरह तैयार करना है इसे। तो देख रहे हैं आप, अच्छे से कढ़ाई छोड़ चुका है हमारे डो को और बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, और ये अच्छे से परफेक्ट पक चुका है। ना ही ज़्यादा लूज है, ना ही ज़्यादा टाइट है। तो अब हमें क्या करना है, एक गोला जैसा जब बन जाए तो हमें गैस को कर देना है बंद और ढक्कन लगा के स्टीम होने के लिए 7 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जितना इसका गर्माहट हो ये अच्छे से स्टीम हो जाए। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है, इसे 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये स्टीम हो रहा है मैं फिलिंग की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी कॉर्न लिया है, आधी कटोरी से मान के चलिए थोड़ा कम ही होगा। यहाँ पर छोटे साइज के आलू लिए हैं 3, तो मैंने उसे उबाल लिया है। आलूओं को मैंने उबाल लिया है, कॉर्न को भी उबाल लिया है मैंने। और कॉर्न को हमें दरदरा पीसना है, आलूओं को हमें ग्रेट करना है। तो मैं छोटे छोटे साइज के आलू लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, इसे दरदरा सा पीस लेते हैं चॉपर में। चॉपर हो या मिक्सी हो, मिक्सी में आप पीस रहे हो तो उसे हल्के हल्के रुक रुक के आपको पीसना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और कॉर्न को भी मैंने दरदरा सा पीस लिया। आपको लग रहा है पेस्ट जैसा, लेकिन पेस्ट जैसा नहीं है, दरदरा सा है। आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप इस जगह मटर यूज कर सकते हो। मटर को थोड़ा सा स्टीम कर दीजिए और दरदरा सा पीस लीजिएगा। सब्जियों को उबालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सब्जियां डालना चाहते हो तो आप इस जगह सब्जी ले सकते हो, हरी सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा लिया है। पोहा हमें आधा कप लेना है, हिसाब से हमें डाला है। इसका एक पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने इस पोहे को अच्छे से पोंछ लिया था कपड़े से, इसके पाउडर निकाल लिए हैं अच्छे से। अब इसे पीस लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से पाउडर मैंने बना लिया है, पोहे को एकदम पाउडर जैसा बना लिया है। इसे रख देते हैं साइड में। एक लेते हैं कोई बड़ा सा बर्तन, पतीला गहला सा, थोड़ा सा गहला होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से गूंथ सकें आटे जैसा डो तैयार कर सकें। तो मैंने यहाँ पर देखो छोटा सा, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा है, थोड़ा गहला टाइप पे मैंने बर्तन लिया है। आप इसे पतीला समझ लो या छोटा सा परात समझ लो, तो मैंने वही लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे आलू को। यहाँ मैंने कॉर्न को डाल दिया है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप इस जगह मटर यूज कर सकते हैं। मटर आप
अपने मनपसंद की जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो इस समय ऐड कर सकते हो। हरी सब्जियों को आपको स्टीम करने की, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही काट के डाल सकते हो और आराम से पक जाएगा आपकी सब्जियां जो भी होगी, और बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न और आलू को मिला दिया है। अब इसमें जाएगा पोहे वाला जो मैंने पाउडर तैयार किया है वो ऐड करेंगे। हमें पोहे के पाउडर इकट्ठा नहीं डालना है, केवल अभी हमें 4 चम्मच डालेंगे। देखेंगे कि हमारा आलू कितना सोक कर चुका है पोहे वाले पाउडर को। हमें क्योंकि ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा सख्त बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक आटा जैसा डो तैयार होता है, उस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर दिया है। तो इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च लिया है, बारीक चॉप किया हुआ खूब सारा फ्रेश हरी धनिया लिया है, इसे भी हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है, जो हम लोग स्पून द्वारा मिलाते हैं तो अच्छे से मिल नहीं पाता है, कहीं नमक ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो अभी मैंने नमक को ऐड नहीं किया है, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर नमक को ऐड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक अपने क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी से आप लेंगे उस क्वांटिटी के हिसाब से, कम ज़्यादा जैसा आप लोगों को पसंद हो उस तरह से आप नमक ले सकते हो। यहाँ पर देखो एक डो जैसा तैयार हो चुका है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में और सूजी को भी देख लेते हैं। तो इसे हम हाथों से थोड़ा सा मसलेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा मसलने से पता चल जाए कि गुत्थी है कि नहीं। तो हम तो मसल रहे हैं और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है आपको, तभी मसलना है इसे। तो कुछ इस तरह से आपको मसल मसल के इसकी गुत्थियों को चेक कर लीजिए कि गुत्थी पड़ी है कि नहीं। तो इसमें गुत्थियाँ बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने कई बार बनाया है तो परफेक्ट रिजल्ट मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने आपको भी बता रही हूँ कि आप जब माप लेते हो तो उस हिसाब से आपका हर चीज़ परफेक्ट होता है। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया, इसे साइड में रख देते हैं ढककर, और आलूओं को वो चेक करके इसके 3 भाग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 भाग कर लिया, इसे गोले जैसा करके साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए गोला जिससे मैंने तैयार करी, इसे साइड में रख दे। सूजी को भी मैंने 3 भागों में करना है, तो यहाँ पर मैं 3 भाग कर दी हूँ। अब एक लोई को उठाएंगे एक भाग को, और लोई जैसा हमें तैयार कर लेना है, जैसे हम रोटियों का लोई तैयार करते हैं सेम वैसे ही हमको करना है। तो यहाँ पर हम लोई तैयार कर लिए हैं, थोड़ा सा हम मैदे का डस्ट देंगे। तो मैं मैदे को अच्छे से डस्ट कर लिया है और इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, और हमें ना ज़्यादा इसे पतला करना है ना ही ज़्यादा मोटा करना है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है। जैसे हम लोग रोटियां थोड़ी मोटी बनाते हैं फिर रोटियों का आकार थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन इसका हमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो लीजिए मैंने रोटी जैसा बेल लिया है, अब इसके 1 भाग पे हमें इस मिश्रण को फैला देना है जो मैंने आलू पोहे और कॉर्न का बनाया था। तो इसे हम बेलन से थोड़ा सा चारों तरफ फैला लेंगे, पूरा ऊपर तक नहीं मुझे फैलाना है, नीचे ही फैलाना है, क्योंकि एक तरफ हम इस मिक्सर को फैलाएंगे, दूसरी तरफ से हमें फोल्ड करना है। अच्छे से आप बेल सकते हैं इसे। अब इसे हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ये लीजिए आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं टूटा। आप जब फोल्ड करते हो तो पीछे की तरफ जहाँ मैंने हाथ को लगा रही हूँ यहाँ पर टूटने का डर होता है। जैसे हम मिक्सर तैयार करते हैं और बेलते हैं तो ये टूटने का डर होता है जब हम फोल्ड करते हैं। तो आप इस चीज़ के डरिए मत, अगर आप माप सही ले रहे हो तो आपका बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं बेलन से हल्के से इसे और बेलूँगी ताकि ये बराबर हो जाए, ना ही कहीं मोटा हो ना ही कहीं पतला हो। तो इसे हम बराबर से बेल लेते हैं, तभी हम नाइफ की मदद से काटेंगे। बहुत हल्के हाथों से आपको बेलना है, आप हल्के हाथों से बेलेंगे तो आपका ये जो फ्रेंच फ्राइज बन रहा है बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो मैं साइड से थोड़ा निकाल दूंगी,
तो ये देखिए मुझे निकालना पड़ा साइड का, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। अब हम क्या करेंगे, हमें बीचों से अच्छे से काट के धीरे से हमें उठाना है, ज़्यादा हमें तेज़ी से नहीं उठाना है क्योंकि बहुत नरम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिश्रण जो डाला था अच्छे से हमारा दोनों तरफ से चिपक गया है रोटियों पर। अब मैं धीरे धीरे सारे ऐसे ही कट कर लूँगी, जैसे हम लोग मठरियाँ काटते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे से आप काट लीजिए और हल्के हाथों से उठाकर आप रखते जाइए। तो मैंने एक तो तैयार कर लिया, अब दूसरा हम बेलने जा रहे हैं, जो लोई उठाए हैं अब ये दूसरा चक्कर हम बेलने जा रहे हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, वापस से मैंने वही कढ़ाई यूज किया है, तो उसी में हम ऑयल डाल देंगे। तो हाँ, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब हमें धीरे धीरे उठाकर इस ऑयल में डालते जाना है। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, ये इतनी क्रंची बनी है ना गाइस, देख रहे हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट आने वाली है। बच्चे तो इसे जान लीजिए कि मांग मांग के खाएंगे, आपको परेशान कर देंगे, इतनी अच्छी टेस्टी ये नाश्ता है गाइस कि हम बता नहीं सकते। प्लीज़ एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय। बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही टेस्टी ये बना है गाइस, हम एक बार नहीं हज़ार बार आपसे कह रहे हैं, ये एक बार आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा नाश्ते को। बनाएंगे ना तो आप बार बार खाएंगे, आप ज़रूर इसको बनाएंगे घर पर, एक बार आप बना के देख लीजिए कितनी अच्छी टेस्टी हेल्दी नाश्ता तैयार होता है आपके घर में। तो मैं इसे छन्नी से पहले ऑयल को निकाल ले रही हूँ अच्छे से, फिर हमें इसे पलटना है क्योंकि सूजी है, सूजी ऑयल ज़्यादा सोखता है, तो हम इसे अच्छे से छान के तभी निकाल लेंगे, नहीं तो ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है।